यार बड़ा मज़ा आ गया भाई साहब साथ में खाने में, बहुत ही मज़ा आ गया। तो अब हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से एक यहाँ पर यही दिक्कत है, थोड़ा सा गाड़ियों का देखना पड़ता है ढंग से। तो पहाड़ के जो हमारे ड्राइवर लोग हैं ये भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, और जहाँ पर जैसी होता है तो गाड़ी को रोक देते हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पर हैं, और साथ में मैं थोड़ा म्यूजिक भी सुन ही लेता हूँ इसमें, और जैसे कि लगा रखा है मैंने इसमें, तो क्योंकि मैप लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। और पहाड़ की जो बसें हैं लोकल बसें जो कि इसको बोलते हैं केमू, KMOU, मतलब कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स। बहुत तेज हो रहा है। तो ऐसे जो ये बोर्ड आते हैं ना, ये यू टर्न बोर्ड जो है ना, त्री मोड, इसको बोलते हैं त्री मोड। बड़ा मजा आता है वैसे इसमें। ये देखो, ये देखिए दुनिया। तो ये नज़ारा है कोसी नदी का नीचे का, और वाह बेहतरीन नज़ारा यार, बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं। वाह वाह क्या मज़ेदार सीन है। टोटाम तो ये है पहाड़ी ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है यार ये, और इसके अंदर जो है ना खाना पीना आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छी सुविधाएं दे रखी उन्होंने यहाँ पे। तो ये है ऑलरेडी जी वासोट, वासोट बाजार तो काफी लंबा चौड़ा है लेकिन चहल पहल बिल्कुल नहीं है। एकदम ठंडा बाजार मार्केट। तो ये है वासोट बाजार, और यहाँ से विक्यासेन शायद 10 या 12 किलोमीटर में है। पहुँच तो गया हूँ यार यहाँ मैं ठीक टाइम पे, लेकिन अब 4:50 पे मैं वासोट पहुँच चुका हूँ, लेकिन अब ये पता नहीं कि मुझे वहाँ जाना है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, वासोट का जगह का नाम है, और मैं जा रहा हूँ इस समय विक्यासेन की तरफ। तो यहाँ का नज़ारा देखे ना, बहुत मज़ा आया। ये बात आ गया सिनोड़ा। अच्छा ठीक है, ये भी सिनोड़ा के गांव है। सब सिनोड़ा के गांव है। ठीक है सर। हाँ ये आ गया आपका जो वाला बैंड है, रापड़ आ गया इसमें। हरि सिंह रावत जी का घर कौन सा है? हरि सिंह रावत सीधा ऊपर है, बता खान की वाली ऊपर को रोड जा रही है। अच्छा, उस सामने दिख रही है ऊपर वो वाला। अच्छा तो गाइस ऑनली में जो है विक्यासेन मार्केट पहुँच चुका हूँ, मैप लगा दिया। शालदे यहाँ से भी 48 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 22 किलोमीटर विक्यासेन टू शालदे। और चलते हैं और आपको विक्यासेन का नज़ारा दिखाते हैं। वही पहले कितनी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज सारी चहल पहल जो है एक्चुअली में ख़त्म हो गई है। बहुत बढ़िया यार, सामने का जो है ना न्यू रोड बन चुकी है, और फ्लाईओवर भी यहाँ से में दिख रहा है साफ, एकदम बन चुका है शायद। वाह वेरी गुड यार, वेरी नाइस। इस दिन वो रोड चालू, उस दिन विक्यासेन मार्केट ख़त्म, और इतना फास्ट काम हुआ है ना उस फ्लाईओवर पे, और एकदम बन के तैयार, मतलब यहाँ से तो लग रहा है सही, और अब ये पता नहीं कि चालू हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द काम कामयाब हो जाएगा। चलते हैं फटाफट फ्लाईओवर पर और दिखाते हैं आपको नज़ारा फ्लाईओवर का। विक्यासेन मार्केट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है, बस पता नहीं यार आँख में क्या घुस जा रहा है, मुरमुरे टाइप के यहाँ पे। तो ऑलरेडी गाइज ये जो है फ्लाईओवर बन चुका है यहाँ पे। वाह वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया सुंदर। तो इस यहाँ का जो फ्लाईओवर है ना,
अच्छा यहाँ से आगे बंद है, 15 किलोमीटर तक आप जा सकते हो बाइक से, और उसके बाद अभी काम ख़राब है वहाँ से, यानी कि रोड ख़राब है वहाँ से, बंद है। तो अभी इस रोड को बनने में करीब 1 साल का टाइम और लगेगा, 1 साल के बाद फिर ये रोड जो है बहुत ही मस्त हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया प्यारी हो जाएगी रोड ये। तो गाइस इस समय रात के 8:30-9 बज रहे हैं और मैं इस समय किसी बाज़ार में आया था, और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं सीधा घर की ओर, ठीक है, सामान देना था तो सामान दे के मैं निकल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास। और यहाँ का जो मौसम है ना बहुत ही बढ़िया, वाह वंडरफुल। तो इस समय तारानगर से जा रहा हूँ इस समय मोड़ पे, अब बोलते हैं कि यहाँ पर लेपर्ड मिलता है, लेपर्ड मिल जाए तो अच्छी बात है, मेरे को क्या बोलना है उसने, लेकिन मैं देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, तो जैसा कि गाइज कल हम वहाँ से चले, उसके बाद अंधेरा हो गया था, फिर मैं घर पर आ गया था और घर पर खाना खाया और थकान लगी हुई थी और सो गया टन थके, और अब उठा हूँ तो अब यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होगी, और तो उसको आप जरूर देखना। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें